Hello everyone, welcome to another Fan to Play Fantasy match preview. We are doing this for the Ireland versus Bangladesh game and we have Nikhil bhai with us today for the preview. How are you doing Nikhil bhai? And aapko kya lagta hai aaj ka game kaisa jayega and kya game hoga? Yeah, I hope so. So firstly, thank you so much for watching. International game cover करने का यही में ही था कि शायद ज़्यादा लोग ना खेल रहे हों तो good way to make some decent amount, especially because it's ODI. The World Cup will be in the same format. पर there is rain as is usual in England. मतलब England में बारिश ना हो तो क्या ही होगा. तो showers तो हैं. Let's see, जो practice match था वो भी rained out हो गया था. तो शायद एक प्रीव्यू हो जाए पूरी सीरीज के लिए ये तो आई डोंट थिंक द कंडीशंस शुड चेंज मोर. सो यप, लेट्स सी हाउ इट गोस. आयरलैंड अगर ये तीनों जीत जाती है तो दे विल नॉट नीड टू प्ले द क्वालिफायर्स. तो आई थिंक गेम करने का ट्राई जरूर करेंगे वो लोग, बट लेट्स सी. यस एब्सोल्युटली, काफी इंपॉर्टेंट गेम है आयरलैंड के लिए. तो चलते हैं वेन्यू कंडीशंस की तरफ. So like every game, Nikhil bhai, what do you think? Because rain is around, क्या आपको लगता है starting में कुछ movement होगी, help होगी bowlers के लिए? Yeah, मुझे लगता है दिन भर अगर बारिश है तो I am sure the weathers will ensure that the pacers are bowling more. पर spin आ सकती है, पर ये देखना कि कौन teams क्या खिला रही है, क्योंकि that will give you a very clear indication what they expect to happen. So won't be surprised if both of them pick only one or two spinners, that two are from the main team, that is Andy McBrayne या Shakib. तो यही जो बड़े players हैं, Harry Tractor, वो ही bowling करें और बाकी का attack pace attack हो. तो क्योंकि average अगर देखो ground भी बड़ा है तो again अगर spin को help मिलती है तो they should be doing okay. पर England है तो ज़्यादा आप expect करते हो कि अच्छा deck हो batting के लिए, थोड़ा movement मिले आपको. तो I think that is what I'm expecting, not expecting more than 250-260 I feel, unless it's a proper road and it's side bright and sunny. Yes, absolutely. But अगर आप वेदर का फोकस देख लोगे एक बार, सो इट्स फुल ऑफ रेन एक्सपेक्टेड एंड उसकी वजह से ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि द ग्राउंड द पिच इज अंडर कवर्स फॉर लॉन्ग अमाउंट्स ऑफ टाइम. तो काफी मॉइस्चर एंड मूवमेंट एट द स्टार्ट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एंड वही हिसाब से बनाएंगे हम अपनी बेस टीम. So over to the base team and start करेंगे सीधा keeping section से, जहाँ हमारे पास मुशफिकुर रहीम. अब जब movement होती है start में तो क्या हो जाता है, opening batters को हो जाती है difficulty. Second चीज़ है जो gloves पकड़ रहा है उसको मिल जाते हैं बहुत सारे catches. यहाँ दोनों logic statements में मुशफिकुर रहीम tick पे हैं, लिटन दास cross पे है, इसलिए हमने मुशफिकुर रहीम को ले लिया है. वही है logic, simple as that. अगर आपको लग रहा है अच्छी pitch है, अच्छा track है, तो आप दास को ले सकते हो. Batting section में Sterling, Tamim and Andy Balboni. अब आप ये सोच रहे होंगे, मैंने अभी बात की कि मूवमेंट है, ओपनर्स को डिफिकल्टी होगी, बट स्टर्लिंग एंड तमीम वर्ल्ड क्लास बैटर्स, अपना टाइम ले सकते हैं स्टार्ट में एंड काफी एक्सपीरियंस है तो उन्हें पता होगा कि स्पेशली तमीम, हम देखते हैं कि वो स्टार्टिंग में पहले पावर प्ले में ज्यादा एग्रेसिवली नहीं खेलते हैं, तो वो अपना समय लेकर खेलेंगे एंड वो हिसाब से हमारे लिए फैंटेसी वैल्यू अच्छी देकर जाएंगे, क्योंकि वैसे भी डिफरेंशियल्स तो आगे के सेक्शन में मिल ही जाएंगे. बिल्कुल. तो देखिए जैसे हमने कहा, ऑप्शंस हैं आपके पास, वही है कि हु डू यू थिंक विल प्ले एंड डू बेटर. नजमल हुसैन शांतो को यू कैन ट्राई वाइल बैटिंग फर्स्ट. तो अविद रिदॉय इज कमिंग ऑन द बैक ऑफ सम डिसेंट परफॉर्मेंसेज इन डोमेस्टिक क्रिकेट, तो ऑप्शंस होंगे. अभी के लिए हम उन प्लेयर्स के साथ गए जो अगर रिड्यूस गेम भी हो तो भी उनकी वैल्यू बड़ी रहनी चाहिए, दैट इज द सिंपल लॉजिक अभी के लिए. तो यस, ऑप्शंस तो कभी कम नहीं पड़ेंगे इन दो टीम्स में. यस एब्सोल्युटली, इन ऑलराउंडर्स में हम जा रहे हैं विद शाकिब अल हसन, कर्टिस कैम्फर एंड हैरी टेक्टर. ऑब्वियसली कर्टिस कैम्फर आपको बॉल के साथ भी काफी वैल्यू दे सकते हैं एंड यहाँ पे जो बाकी के ऑप्शन है ऑलराउंडर्स में सारे स्पिन ऑप्शन है, क्योंकि कंडीशन वैसे नहीं है इसलिए हमने उन्हें पिक नहीं किया, बट टोटली डिपेंड करता है. बट हाँ, मैं यहाँ ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ कि आप पिच रिपोर्ट के लिए रुकिए, क्योंकि बारिश तो वहाँ पे अभी भी हो रही है. सो वेरी टफ अनलेस की इतनी डैम पिच हो कि बॉल कैरी ही ना करे एंड स्पिनर बिलो द फुट जाके LBW ले ले तो अलग बात है. वाइल बोलिंग सेक्शन में हम गए हैं विद लिटिल, हसन महमूद, इबादत हुसैन एंड मार्क अडेयर. सबकी एक ही मेन खासियत है कि वो बॉल मूव करते हैं, गुड लेंथ पे बॉल हिट करते हैं. सब इन सबकी यही खासियत है. मार्क अडेयर एंड हसन आपको डेथ में भी विकेट ला कर दे सकते हैं. उनका लेंथ भी अगर आप देखें तो ऐसा होता है कि जहाँ पे
यू आर एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दोज कंडीशंस एज वेल, तो वो भी इम्पोर्टेंट है. और मुस्तफिजुर विल वांट टू ट्राई, पर वही है कि वो ज्यादा विकेट्स नहीं ले रहे. तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन अगर आप खेलेंगे तो बिल्कुल आप वहां पे ट्राई कर सकते हो. शौरीफुल खेलेंगे कि नहीं पता नहीं, मृत्युंजय चौधरी अगर खेलते हैं तो बहुत अच्छे विकल्प हो जाएंगे. पर अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस. ग्रैम होम जब बांग्लादेश में खेले थे तो अच्छा करा था, तो अगेन अ गुड ऑप्शन टू ट्राई. तो बहुत बोलिंग ऑप्शन है आपके लिए, यू विल हैव टू टेक अ कॉल के ज्यादा बोलर्स लेने या ऑलराउंड या बैटर लेना, क्योंकि रन किसी को तो बनाना पड़ेगा, तो वो कौन बना रहा है दैट विल बी इंटरेस्टिंग. यस एब्सोल्युटली. एंड जैसे निखिल भाई ने कहा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जिन्हें हमें नहीं पिक किया है, वो ऑब्वियसली प्लेइंग 11 पे बेस्ड है. खेलेंगे तो आप पिक कर सकते हो, होंगे मृत्युंजय चौधरी, फियोन हैंड, क्रेग यंग, ग्रैम होम, जो भी इनमें से खेलेंगे ये पिच में से मूवमेंट लेकर आ सकते हैं स्टार्ट में. तो जो भी खेलेंगे इनमें से एंड हमारे में से ना खेले तो आप उनको ड्रॉप करके इनमें से इन लिस्ट में से पिक कर सकते हो. मुस्तफिजुर रहमान, जैसे हमें पता है कि उनकी जो खासियत है वह स्लो बॉल्स, क्या एक ट्रैक पे जहाँ पे इतना मॉइस्चर है, स्टार्ट में मूवमेंट है, क्या उनको, क्या वो उनकी स्पेशलिटी है? मे बी नॉट, इसलिए हमने उन्हें नहीं लिया है. वाइल कैप्टन एंड वाइस कैप्टन इज सेफ इन शाकिब एंड मार्क अडर, बट जो हमने देखा है अब तक कंडीशंस के बारे में एंड जो हमें लग रहा है कि किन टाइप ऑफ बोलर्स को मदद मिलेगी, काफी पॉसिबल है कि कल आपको ये कैप्टनसी ऑप्शन ना दिखे. टेलीग्राम लिंक तो है डिस्क्रिप्शन में. बिल्कुल. तो देखो इवेंचुअली यू हैव टू बैक योर विजुलाइजेशन. पॉसिबल है कि ये ऑलराउंडर्स में से कोई होगा, और अगर बहुत ज्यादा बॉलिंग हैवी कंडीशंस है तो फिर आप किसी बॉलर को देखोगे, पर अगेन एक ऑलराउंडर तो दिख ही जाएगा आपको, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस. यस एब्सोल्युटली. तो ये हो गई हमारी आज की टीम. निखिल भाई, एनी एडिशनल थॉट्स, इनपुट्स, क्योंकि हमने मेन प्लेयर्स तो ऑलरेडी कवर कर लिए जो जीएल ऑप्शंस हमारे थे. एनी अदर क्लोजिंग कमेंट्स और थॉट्स? नहीं, दास दादा को ट्राई कर लेना ग्रैंड लीग में अगर चेस कर रहे हैं और आपको लगता है कि, क्योंकि ही एंड तमीम हैव हैड अ फ्यू वेरी गुड पार्टनरशिप्स टुगेदर, तो वो एक क्रिटिकल हो जाता है ऐसे बंदे के लिए, क्योंकि वो टच में तो थे, भले आईपीएल में नहीं स्कोर किए पर वनडे में फॉर्म तो रहा है उनका. तो समथिंग टू कीप इन माइंड इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग बैटर्स. बाकी बॉलर हमने बाकी सब डिस्कस कर लिए. एंड या प्लीज बैक योर विजुलाइजेशन बेस्ड ऑन द कंडीशंस एंड पिच रिपोर्ट. यस एब्सोल्युटली. तो यही रही हमारी आज की टीम, पिच रिपोर्ट वगैरह वगैरह, जीएल ऑप्शंस, बाकी जो भी मेन हमें लग रहा है अबाउट द पिच रिपोर्ट एंड ऑल द कंडीशंस, वो हम आपको बता देंगे. टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ऐप लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में. 200% बोनस आपको मिलेगा अपने पहले डिपॉजिट पर, तो ये चांस मत मिस करिएगा. एंड इंश्योर लाइक ऑलवेज टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड जस्ट फॉर फन, आवर गोल्डन क्वेश्चन फॉर टुडे, आपको क्या लगता है कि कितने रन पॉल स्टर्लिंग बनाएंगे? एंड जाने से पहले निखिल भाई आप बता दो, हाउ मेनी रन्स फॉर पॉल स्टर्लिंग टुडे? आई होप अ गुड 36. फेयर इनफ, आप भी जल्दी से बता दो 36 ऑफ 40, 36 ऑफ 30, जितना भी आपको लग रहा है. थैंक यू सो मच एंड वी विल सी यू ऑल वेरी सून फॉर द नेक्स्ट वन. टेक केयर, डोंट फॉरगेट इट्स अ रिस्की गेम फाइनेंशियली एंड इन्वॉल्व्स रिस्क, सो प्लीज प्ले केयरफुली and invest smartly. See you soon. Yes, absolutely.